बीजेपी और कांग्रेस के नए चेहरे इस पर 5 सीटों पर सांसद विधायकों के बीच मुकाबला। गुना से राव देशराज यादव, विदिशा से प्रताप भानु शर्मा। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। आदरणीय दर्शकों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के बारे में। 5 सीटों पर सांसद विधायकों के बीच मुकाबला। दमोह से कांग्रेस के 2 पूर्व विधायक आमने सामने। 27 मार्च को कांग्रेस ने 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। गुना से राव देशराज यादव, विदिशा से प्रताप भानु शर्मा और दमोह से तरवर सिंह लोधी को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की 25 में से 29 लोकसभा सीटों पर मुकाबले की तस्वीर साफ हो गई है। इनमें से 5 सीटों पर भाजपा के मौजूदा सांसदों का कांग्रेस के मौजूदा विधायकों से मुकाबला है। पहली बार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की बात करें तो भाजपा ने 11 सीटों पर, कांग्रेस ने 18 सीटों पर नए चेहरे उतारे हैं। इनमें से 7 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा कांग्रेस के नए चेहरों के बीच मुकाबला होने वाला है। वही दमोह लोकसभा सीट पर कांग्रेस के ही 2 पूर्व विधायकों के बीच मुकाबला है। भाजपा ने 6 महिलाओं को टिकट दिया है तो कांग्रेस ने 1 महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। 25 लोकसभा सीटों में से 1 भी सीट ऐसी नहीं है जहां महिलाओं के बीच सीधी टक्कर हो। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 4 चरणों में है। इस रिपोर्ट में हम बता रहे हैं कि किस चरण में किस सीट पर कैसी है मुकाबले की तस्वीर, क्या है सियासी समीकरण। पहला चरण 6 सीटों में से 2 पर सांसद विधायकों के बीच मुकाबला। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को सीधी शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा सीट पर वोटिंग होगी। बीजेपी और कांग्रेस के नए चेहरे इस